भागलपुर शहर के सभी पूजा पंडालों में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन पूरी आस्था और उत्साह पूर्वक जारी है। इससे पूर्व पंडितों ने वेद मंत्र उच्चारण के साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की, उसके बाद माँ आदिशक्ति की विदाई शुरू हो गयी। शहर में कतारबद्ध होकर सभी प्रतिमाएं विसर्जित होने के साथ विसर्जन घाट मुसहरी घाट पहुँचना शुरू हो गयी। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु भक्ति भावना से प्रेरित होकर विसर्जन अवधि तक भावुक दिख रहे हैं। विदाई यात्रा के दौरान युवाओं ने माँ के जयकारे लगाते हुए एक दूसरे पर खूब अबीर गुलाल उड़ाए। इस दौरान पुलिस प्रशासन सुरक्षा में तैनात दिखे। विदाई के दौरान पूजा समिति के सदस्यों ने और पुलिस प्रशासन ने रूट व निर्धारित समय अवधि का पालन को लेकर काफी तत्पर दिख रही है। विसर्जन यात्रा में बैंड बाजे के साथ हाथी घोड़े भी शामिल है। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु भी सड़क पर उमड़ पड़े। पुलिस प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस बल के साथ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। विसर्जन के दौरान कई इलाकों में बिजली की समस्या बनी हुई रही। जो जिला स्तर से जो संयुक्त आदेश निर्गत हुआ है, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, वहाँ पे सभी पे जगह सभी लोग मौजूद हैं। और इसके साथ ही QRT की टीम बनाई गई है जो हरेक विसर्जन शोभा यात्रा के साथ उनके आगे और पीछे चलेगी। साथ ही साथ जो स्थानीय थाना है वो भी सारे विसर्जन शोभा यात्रा को एस्कॉर्ट कर रही है और हरेक में एक वीडियोग्राफर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। और आपको पता है कि पूरे शहर में लगभग 1900 कैमरे एक्टिव हैं, उससे भी हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बिहार के नगर निकाय अधिनियम में संशोधन हुआ। मेयर और डिप्टी मेयर को आम जनता ने अपने वोट जिताया, लेकिन बिहार में ही भागलपुर नगर निगम का दर्द जरा हटके है। पढ़ी लिखी MBBS की डिग्री धारी महिला मेयर चयनित हुई, लेकिन अब वो लाचार सी और ठगी हुई महसूस कर रही है। नगर निगम के अधिकारी उनको तवज्जो नहीं देते, मीटिंग में भी नहीं बुलाते। कोरोना के बाद भागलपुर शहर डेंगू से ग्रसित रहा, अब वायरल निमोनिया का प्रकोप बढ़ने लगा है। मेयर वसुंधरा लाल कहती है नगर निगम की लापरवाही बर्दाश्त से बाहर है। शहर के प्रबुद्धजनों बीच सोशल ऑडिट में जब सवाल जवाब हुआ तो मेयर मैडम भावुक हो उठी। आंसू पोंछते हुए बोली कि मुझे आप लोगों ने चुना है, आपके प्रोटोकॉल से बाहर नहीं है। आम जनता भी कह रही है कि इस तरह से जनप्रतिनिधि का अपमान गलत है। अब आम जनता ने अपनी दास्तां सुनाई तो मेयर मैडम रोने लगी। उन्होंने बोला कि काम को रहना चाहिए मीटिंग में, आपने बोला तो मैं बता दूं। एक बार मीटिंग हुई थी देवदत्त के वहाँ पे, उस मीटिंग में मेयर को डिप्टी मेयर को नहीं रखा गया था, उसके चलते प्रोटेस्ट भी किया हमारे जितने भी संबंधित पर्सनल। इसके बाद भी मेयर डिप्टी मेयर को नहीं रखा गया। आप सबका यह कर्तव्य बनता है, आप लोग कहे जब तक मेयर और डिप्टी मेयर नहीं आएंगे तो हम मीटिंग नहीं करेंगे। उनके प्रोटोकॉल में मैं नहीं हूँ, लेकिन आपके प्रोटोकॉल में तो मैं हूँ। नाथनगर के CTS मैदान में विजयादशमी के मौके पर रावण का पुतला दहन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी और रामलीला समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। रावण के पुतले का दहन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने किया। वहीं कुंभकरण का SSP आनंद कुमार और मेघनाथ के पुतले का दहन SDM संजय कुमार के द्वारा किया गया। नाथनगर के CTS ग्राउंड में रावण दहन का भव्य कार्यक्रम विगत 1846 ईस्वी से लगातार किया जा रहा है। यहाँ हजारों हजार लोग इसे देखने के लिए आते हैं और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। इस बार रावण की ऊंचाई 40 फुट, कुंभकरण की ऊंचाई 35 फीट और मेघनाथ की ऊंचाई 30 फीट की थी। कलाकार एक महीने से इस पर काम कर रहे थे। काफी वर्षों से होता है, उसी कार्यक्रम में हम लोग भी आए हुए और आप लोग देख रहे हैं कि काफी शांतिपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छे तरीके से जो समिति है जो इस कार्यक्रम को आयोजित करती है उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। सब लोग बधाई के पात्र हैं। सभी श्रद्धालुओं से मेरी अपील भी होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम का आनंद लेकर के और फिर जो होता है कि एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए फिर वापस अपने घरों को जाएं। और भागलपुर के मोहद्दीनगर दुर्गा मंदिर में मां अम्बे की प्रतिमा को धूमधाम से विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने पहले मां की पूजा अर्चना की, उसके बाद खोइचा भराई का विधान पूरा किया। मां के विसर्जन शोभा यात्रा में सैकड़ों महिला पुरुषों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मां के जयकारों के साथ भक्ति धुन पर जमकर थिरकते दिखे। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुहाग की रक्षा के लिए सिंदूर की होली भी खेली। वहीं मोहद्दीनगर पूजा समिति के लोगों के साथ साथ हजारों ग्रामीण इस शोभा यात्रा में शामिल दिखे। कहीं डांडिया खेलते हुए महिलाएं शोभा यात्रा
में आगे बढ़ती चली जा रही थी। कहीं बैंड बाजा के धुनों पर लोग थिरक रहे थे। वहीं विसर्जन शोभा यात्रा में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भागलपुर के दुर्गाबाड़ी मंदिर में विजयादशमी के उपलक्ष्य पर बांगड़ा रीति रिवाज से सिंदूर खेलकर महिलाओं ने मां दुर्गा को विदाई दी और अगले साल फिर आने का आमंत्रण भी दिया। मां दुर्गा की विजयादशमी के दिन सुबह सुबह महिलाओं ने पूजा अर्चना की। मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेली और मां की जयकारे लगाए। साथ ही अगले वर्ष फिर से आने का निमंत्रण देते हुए नम आंखों से मां को विदाई दी। गौरतलब है कि भागलपुर के दुर्गाबाड़ी मंदिर में बरसों से बांगड़ा रीति रिवाज से पूजा होती चली आ रही है और हर वर्ष महिलाएं सिंदूर की होली खेलकर मां को नम आंखों से विदा करती हैं। वहीं सिंदूर खेला के दौरान एक महिला ने बताया कि लगातार 30 वर्षों से दुर्गा पूजा में यहां आती हूं और सिंदूर खेला में सम्मिलित होती हूं। सिंदूर खेल का यह अलग ही महत्व है। हम लोग सुहाग की रक्षा के लिए यह परंपरा वर्षों से करते आ रहे हैं। आज के दिन विजयदशमी के दिन सिंदूर खेला करते हैं, माँ की विदाई देते हैं, माँ अपने ससुराल जा रही है तो मायके से हम लोग अपने सुहाग को उनके सुहाग मतलब सबका सुहाग अमर है, इसीलिए हम लोग ये सिंदूर खेला खेलते हैं। सबका सुहाग अगर अमर है और सब खुशी खुशी हम लोग बड़े को प्रणाम करते हैं, मुँह मीठा करते हैं, सबको विजयदशमी की बधाई देते हैं। एक दिन हमारा सिंदूर पड़ा माँ आज के चले जाए हमने खूब ही कष्ट दिन एटा क्योंकि खूब ही आनंद मैं खूब आनंद करजय कर सारा बचर ये रखिए जो माँ कब आसें खूब आनंदित माँ चले जा। ओम भास्कर, विधानसभा संयोजक के भागलपुर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भागलपुर, बिहार और देशवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर देखवा सिंह, अध्ययन जीवन सोसाइटी। आज सुबह को दुर्गा पूजा एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दुर्गा पूजा शक्ति की पूजा है। आपको माँ दुर्गा शक्ति देगी, आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। साथ ही विजयादशमी का त्यौहार है जो हमें विजय गाथा सिखाती है। असत्य पर सत्य की जीत, बुराइयों पर अच्छाई की जीत हमें बताती है। खास करके आज सनातन विरोधी विचारधाराएं जागृत हो रही हैं, इस पर आपको नजर रखनी होगी। छोटे छोटे स्वार्थ के लिए आप अपने धर्म का बलि नहीं दें। इसके साथ ही एक और निवेदन है कि आप मां दुर्गा का पूजा कर रहे हैं आपको सफलता दे, लेकिन घर में भी माँ है, पिता है, सभी लोग उनका भी ध्यान रखें। वो बुढ़ापे में सिर्फ आप ही उनके सहारा हैं जिन्होंने अंगुली पकड़कर आपको यहाँ तक लाया है, उनका शब्द धन्यवाद। राजकुमार रंजन पहल ग्रुप की ओर से भागलपुर, बिहार और देशवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं प्रिया सोही, मां आनंदी संस्था की संस्थापिका। संस्था के सभी सदस्यों की ओर से शहरवासियों के साथ साथ समस्त देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। मातृशक्ति की आराधना के लिए वर्ष में 9 दिन विशेष रूप से दिया गया है और यह नारी शक्ति के आदर और सम्मान का प्रतीक है और हमें यह एहसास दिलाता है कि नारी शक्ति को किस रूप से पूजा जाता है। साथ ही साथ समाज के अन्य पुरुधाओं को भी उनकी शक्ति का एहसास दिलाता है। जिस तरह से हम लोग नवरात्रि में
माता को माता के नौ रूपों का पूजा करते हैं, उसी तरह से हमें नारी शक्ति के विभिन्न गुणों का पहचान करना चाहिए और माता बेटी एवं पत्नी को वैसे ही सम्मान देना चाहिए। तो आइए इस नवरात्रि हम लोग उपासना के साथ साथ नारी को सम्मान करने के लिए संकल्प ले और दृढ़ संकल्प ले। जय माता दी। राकेश कुमार दुबे उर्फ गुड्डू दुबे पूर्व वार्ड पार्षद और निशा दुबे वार्ड नंबर 22 की पार्षद की ओर से भागलपुर बिहार और देशवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष यादव साईं मंदिर नकटुलिया की ओर से तमाम शहरवासियों एवं पूरे देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। जय साईं। नमस्कार, मैं रवि झा झा प्रॉपर्टीज की ओर से तमाम भागलपुर वासियों एवं देशवासियों को दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय माता दी। नमस्कार, मैं अभय राय डायरेक्टर एडीआरएस प्रॉपर्टीज भागलपुर की ओर से समस्त भागलपुर वासियों बिहार वासियों एवं देशवासियों को दुर्गा पूजा दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं। जय माता दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार यादव भागलपुर की समस्त जनता को दुर्गा पूजा दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय माता दी। जय हिंद। नमस्कार, मैं शिषपाल भारती प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी जिला जनता दल यू भागलपुर की ओर से दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामना और बधाई भागलपुर वासियों को बिहार वासियों को देशवासियों को देता हूं। जय माता दी। नमस्कार, मैं संतोष कुमार प्रत्याशी की ओर से समस्त भागलपुर वासियों एवं शहर वासियों और देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दुर्गा पूजा आपके जीवन में सुख संपत्ति लावे। जय माता दी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिला के टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी की सूची में शामिल मोहन ठाकुर और मोहना ठाकुर, जो मोहना चांदपुर जिला कटिहार का रहने वाला है और जो भागलपुर एवं कटिहार जिला में कई कांडों में संलिप्त है, जिसमें चर्चित कटिहार नरसंहार कांड का वह मुख्य अभियुक्त है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भागलपुर जिला पुलिस लगी हुई थी। इस अपराधी के ऊपर 50,000 रुपये इनाम भी रखे गए थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मोहन ठाकुर जसीडी में छुप कर रह रहा है। सूचना मिलते ही SSP आनंद कुमार के निर्देश एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया। वहीं SIT की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुख्यात मोहन ठाकुर उर्फ मोहना ठाकुर को जसीडी से गिरफ्तार कर लिया। अपराधी मोहन ठाकुर के विरुद्ध कुल 29 कांड दर्ज है। इसके अलावा नेपाल के विराट नगर थाने में एक कांड दर्ज है। वह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है जिसका कार्य क्षेत्र बिहार भागलपुर कटिहार के देरा क्षेत्र एवं झारखंड रहा है। इसके साथ ही नेपाल में भी वो सक्रिय रहता है, जिसका आमजनों में काफी दहशत है। इसकी गिरफ्तारी भागलपुर पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। गिरफ्तार मोहन ठाकुर के साथ एक राइफल और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। वह SSP ने बताया कि इस अपराधी को पकड़ने में तकरीबन 25 अधिकारी और जवान शामिल थे। सबों को विभाग द्वारा पुरस्कृत भी किया जायेगा। 2021 में या 20 में जेल से छूटा था तो, लेकिन पिछले 2 सालों से इसने बड़े बड़े नरसंहार भी किए हैं। भवानीपुर दियरा क्षेत्र में जो जमीन का वर्चस्व को लेकर एक बड़ा नरसंहार, जिसमें कि 5 लोगों की नृशंस हत्या की गई थी, और न सिर्फ हत्या की थी बल्कि जो शव थे उनके खिलाफ भी काफ़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से यह जो अपराधी है वो पेश आया था। और बाखरपुर में भी एक व्यक्ति के अपहरण करके, गौतम कुमार उनका नाम था, उनका अपहरण करके इसने हत्या की थी। तो
एक तो ये इसका जो आपराधिक कृत्य है वो बहुत ही घृणित है, इसके साथ ही साथ ये अमानवीय तरीके से हत्याएं करता था, तो ये भी अगर आप देखें तो समाज के लिए बहुत ही नकारात्मक चीज़ था जिसको गिरफ्तार करना काफ़ी आवश्यक था। जैसे बोले कि इस पर ऑलरेडी 50,000 रुपये का इनाम है और इसको अलग से पुलिस मुख्यालय से भी और पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय से भी जो पूरी टीम है उसको पुरस्कृत किया जा रहा है। परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी मोहन ठाकुर उर्फ मोहना ठाकुर, जो कि मोहना चांदपुर थाना बरारी सेमापुर ओपी कटिहार का है, वहाँ का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी कल दोपहर जसीडीह रेलवे स्टेशन है झारखंड में, वहाँ से हुआ और उससे उसकी गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव श्री शिवानंद और एक बड़ी टीम जिसमें लगभग 25 जवान और पुलिस अफसर शामिल थे, जिनको इस पूरे अभियान में इसकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था, जो कि तीन जगह यह टीम जसीडीह में, क्यूल में, मुंगेर में, तीनों जगह यह तैनात थी जहाँ जहाँ इसके आने की सूचना थी, और इस टीम के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से सफाई से इस पूरे अभियान को संचालित किया गया और अंततः इस टॉप 10 अपराधी जो भागलपुर का भी है टॉप 10, कटिहार का भी टॉप 10 अपराधी है और जिसके अपराध का क्षेत्र न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल में भी इसने अपराध कारित किया है, वहाँ की जेलों में भी रहा है, इसके खिलाफ कुल 30 मामले दर्ज हैं जिसमें कि कटिहार के 22 मामले हैं, भागलपुर के 4 मामले हैं, साहेबगंज के 2 मामले हैं, मुंगेर का 1 मामला है और एक नेपाल में इसके खिलाफ एक मामला दर्ज है। इसके खिलाफ कुल 3 हत्या के मामले दर्ज हैं, 2 डकैती के मामले दर्ज हैं, 8 हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं, 9 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं, 3 अपहरण और रंगदारी के मामले दर्ज हैं और 2 अन्य मामले इसके खिलाफ दर्ज है। इसकी गिरफ्तारी हुई है और ये भागलपुर पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है और इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है, कटिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा घोषित किया गया है और इससे जो पूछताछ हुई और पूछताछ के आधार पर कई सारे लोगों जिनके द्वारा इनकी मदद की जाती थी भिन्न भिन्न तरीकों से, उनके खिलाफ भी छापेमारी हुई है और वहाँ से एक 303 राइफल मिली है और साथ ही साथ 8 कारतूस बरामद हुआ है और 2 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी, मोहन ठाकुर के अलावा भी 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक अन्य व्यक्ति से पूछताछ भी जो टीम है उसके द्वारा लगातार की जा रही है। इस पूरे अभियान में SDPO कहलगांव के साथ इंस्पेक्टर मुरलीधर जो कि DIU प्रभारी हैं, इंस्पेक्टर संजय सत्यार्थी जो कि गोराडी के SHO हैं, इंस्पेक्टर राजीव जो कि कहलगांव के SHO हैं और इंस्पेक्टर मनीष जो कि ततारपुर के SHO हैं, सब इंस्पेक्टर विनोद जो कि बाखरपुर ओपी जहां के हत्या के केस में, हत्या और अपहरण के केस में ये वांटेड था, वहां के थानाध्यक्ष हैं, सब इंस्पेक्टर प्रमोद DIU, सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश बाईपास TOP के SHO हैं और सब इंस्पेक्टर मिथिलेश चौधरी जो DIU के हैं, सब इंस्पेक्टर सिकंदर DIU टीम और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नईम जो ततारपुर थाना में कार्यरत हैं, कांस्टेबल बच्चन, कांस्टेबल अभिमन्यु, कांस्टेबल रजनीश, कांस्टेबल प्रकाश, CIT के जवान अमित, सुनील, चालक धन्नो, CIT के जवान उदय, अविनाश, राहुल, मनीष, संतोष और कांस्टेबल विशाल, इतने लोगों की टीम के द्वारा ये इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और अंततोगत्वा पिछले कई महीनों से हम लोग इस पर काम कर रहे थे, हम लोग भी काम कर रहे थे, कटिहार पुलिस के द्वारा भी इसमें काफ़ी काम किया गया, STF भी इस पर काम कर रही थी और इसके साथ ही एक बड़े अपराधी की गिरफ्तारी हुई है और जिसका आतंक बाखरपुर से लेके और बरारी, सेमापुर, कटिहार, साहेबगंज कई सारे इलाकों में था, उस परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ी सफलता है जो कि भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई। लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से इसको भिन्न भिन्न प्रकार से मदद पहुंचाते हैं, कभी छुपने का स्थान उपलब्ध कराते हैं, कभी जो इसका हथियार है उसको छुपाते हैं या अन्य माध्यमों से सूचना इनको देते हैं पुलिस के मूवमेंट के बारे में। इस तरीके से भी बहुत सारे लोगों को चिन्हित किया गया है और जो 2 दर्जन लोग हैं उसमें से लगभग आधा दर्जन लोग ऑलरेडी इसके जेल में हैं और इसके जो अन्य सदस्य हैं बाहर उस पर भी हम लोग की नज़र है, उनके खिलाफ़ भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी।
इनको पकड़ने का जो एफर्ट था भागलपुर पुलिस का लगभग 100 दिनों से लगातार चल रहा था, और दो दिन पहले एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इनपुट हमारे पास आया था और उसका जो हम लोग वेरीफिकेशन किया अपनी मानवीय जो आसूचना तंत्र है उससे भी उसको वेरीफाई किया, तो वो सूचना सत्य निकली और उसी के आधार पर इस पूरे अभियान को, इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया और SDPO कहलगांव के मॉनिटरिंग में डायरेक्शन में ये पूरा अभियान चला और इसमें लगभग 25 पदाधिकारी और सिपाही इस पूरे अभियान में शामिल है जिन्होंने इस पूरे अभियान को बहुत सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। विजयादशमी के मौके पर भागलपुर की सड़कों पर साक्षात भोलेनाथ एक अलग ही अंदाज में दिखे। उनके हाथों में चाय की प्याली थी और चाय की चुस्की ले रहे थे। यह देख धीरे धीरे लोगों की भीड़ चाय दुकान पर उमड़ने लगी। दरअसल यह साक्षात महादेव नहीं बल्कि एक बहुरूपिया नाटक कलाकार थे। यह कलाकार भगवान शंकर की वेश में अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हुए थे और उन्हें चाय की तलब लगी तो वो चाय पीने लगे। इस कलाकार की पहचान मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले के रूप में हुई है। कहाँ का प्रोग्राम में आप लोग भाग लिए हैं? MP मध्य प्रदेश से हैं। यहाँ कहाँ है भागलपुर? लॉज में रहते हैं। लॉज में रहते हैं, मतलब आज कहीं प्रोग्राम है क्या? कहाँ? अच्छा, घूमना है। क्या नाम हुआ? उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन नाम है। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के ओलापुर पंचायत के मुखिया गुलसागर रजक का धमाकेदार डांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भागलपुर पीरपैंती के छोटी दुर्गा स्थान दुलदुलिया में दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था जहां बार बालाओं के ठुमके लगाए जा रहे थे। फिर क्या था, मुखिया जी भी अपने आप को नहीं रोक पाए और मंच पर उतर गए। उन्होंने ना तो अपने उम्र का लिहाज किया ना ही अपने पद की प्रतिष्ठा को ही ध्यान में रखा, अपनी गरिमा को ताक पर चढ़ा के मंच पर कूद पड़े और कर बार बालाओं के साथ ठुमके लगाने शुरू कर दिए। एक तरफ जहां 19 सूत्री मांगों को लेकर मुखिया संघ के द्वारा धरना दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मुखिया गुलसागर रजक अपने सूत्रों को ताक पर रखकर ठुमके लगाने में मशगूल दिखे। मुखिया जी का बार बालाओं के साथ ठुमके लगाने का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल है। राष्ट्रकवि संगम मंच के द्वारा बरसों से भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम किया जाता आ रहा है। यह एक ऐसी संस्था है जहां हरेक भाषा के कवि एकत्रित होते हैं और अपने भाव को प्रकट करते हैं, जिसमें राष्ट्र में नई चेतना जागे इस विषय को लेकर नए नए बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाता है। राष्ट्रीय कवि संगम बिहार के प्रांतीय अध्यक्ष प्रभाकर कुमार राय के पहुँचने पर राष्ट्रकवि संगम मंच बिहार इकाई द्वारा उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान देते समय सच्चिदानंद शाह और सच्चिदानंद किरण के साथ साथ राष्ट्रकवि संगम मंच बिहार इकाई के कई कवि मौजूद थे। संयोजक सच्चिदानंद किरण, महासचिव डॉक्टर नवीन निकुंज सहित उपस्थित कवियों ने अंगवस्त्र के साथ साथ संपादकीय पुस्तक अंग ज्योति एवं बांका जिला स्मारी का भेंट की। कवि महेंद्र निसाकर ने अपनी पुस्तक झलकियां भेंट की। सच्चिदानंद शाह ने बताया कि हम लोगों को उम्मीद है जल्दी भागलपुर में भी राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन होगा जिसमें हम लोग एकत्रित होकर इसमें प्रस्तुति दे पाएंगे। देखिए, भागलपुर तो मेरा कर्म भूमि भी रहा। 2010 में इस ज़िले में काम करने का भी अवसर मिला था और जब भी भागलपुर आता हूँ तो लगता है कि जो अपने घर आए, क्योंकि जहाँ काम करने का अवसर मिला तो बहुत सारे लोग यहाँ परिचित भी हैं तो उनसे मिलना जुलना, और आज यहाँ आगमन हुआ राष्ट्रीय कवि संगम के प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में आज भागलपुर आए। सर्किट हाउस में हमारे जो यहाँ इकाई के साथी हैं उन लोगों से मिलना हुआ और इन लोगों ने सम्मानित भी किया, तो हमने चर्चा यही किया है कि राष्ट्रीय कवि संगम में और भी कवियों को जोड़ना, संगठन विस्तार करना। राष्ट्रीय कवि संगम भारत में एक ऐसी कवियों की यह संस्था है जिसमें आप जितने कवि को मंच पर देखते हैं या चैनल पर देखते हैं लगभग अधिकतर कवि राष्ट्रीय कवि संगम से जुड़े हुए हैं। तो भागलपुर में भी हम लोग एक बड़ा आयोजन करना चाहते हैं जिसमें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि यहाँ आएंगे और भागलपुर के लोगों के बीच हास्य विनोद का एक कार्यक्रम हो, और उसके लिए हम लोगों ने चर्चा किया है। दूसरा कि हम लोग अब काव्य मंचों को गांव की ओर भी ले जाना चाहते हैं, स्कूलों में ले जाना चाहते हैं, कॉलेजों में ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने साथियों से कहा है कि आप
स्कूलों से संपर्क करें, कॉलेजों से संपर्क करें, प्रबंधक से मिलें और वहाँ भी कवि सम्मेलन हो, क्योंकि आज नई पौध डगमगा रही है, तो उनके बीच साहित्य काव्य की चर्चा और काव्य के माध्यम से बड़ी बात आप आधे घंटे में जो कहेंगे कवि दो पंक्ति में बड़ी बात कह देता है और उसका असर सीधा लोगों के मन पर दिल पर पड़ता है और तभी बदलाव। तो आज समाज की जो कुरीतियाँ हैं उस पर हमारे कवि कलम चलाते हैं और उसका असर समाज पर पड़ता है कि समाज सुधार का काम होता है। तो इसके लिए हम लोग काव्य मंच कैसे तैयार हो इस पर चर्चा किए हैं और शहर के साथ गांव में भी कार्यक्रम आयोजित हो, लोग कवियों को सुने, अपने में बदलाव लाएं, समाज की स्थिति परिस्थिति पर चर्चा हो, तो इसके लिए हम लोगों ने चर्चा किया।